नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। विजयपुर में सीएम शिवराज ने कमलनाथ और कांग्रेस पर आज जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस ने जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई, आज सरकार जनता के हित में काम कर रही है, कई तरह की योजनाएं चल रही। कांग्रेसी मेरी बहनों, ये इतने चालाक है कि इनने कहा था कर्जा माफ करेंगे, किसान भाइयों किया क्या माफ? अरे जोर से बताओ, इनने कर्जा माफी का वादा किया, पलट गए। इसके बाद मेरी बहनों, तुम्हें एक बात और बता रहा हूं, संबल योजना मैंने चलाई थी। संबल योजना जब इनकी सरकार आ गई, तब इनने संबल योजना बंद कर दी। संबल में अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो हम 4 लाख रुपया देते थे, सामान्य मौत पर 2 लाख। कमलनाथ, संबल तुमने बंद कर दी। और तो और मेरी बहनों, बेटियों की मैं शादी करवाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करवाती है। कमलनाथ ने उनकी सरकार में शादियां तो हुई, लेकिन बेटियों को पैसे ही नहीं दिए, बेटियों के पैसा ये बेईमान खा गए। बोलो सही बात है कि नहीं? ये बेटियों के पैसा खा गए। और तो और, बेगा भारिया और सहरिया बहनों को मैं 1000 रुपया पहले से ही देता था। जब कांग्रेस की सरकार आई तो बेगा भारिया सहरिया के 1000 रुपया भी खा गई, फूटी कौड़ी नहीं दी, फूटी कौड़ी नहीं दी। अरे मैं अपने बच्चों को 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे तो लैपटॉप देता था, लैपटॉप। मेरे भांजे भांजियों का लैपटॉप कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा ली।